खालिस्तानी आतंकियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच उपजी तनावपूर्ण स्थिति की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सुनाई दी है। चूंकि कनाडा के पीएम ट्रूडो के झूठ बेनकाब हो चुके हैं, फिर चाहे उनका देश हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर जगह उनकी असलियत सामने आ चुकी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए कनाडा और पाकिस्तान की वाट लगा दी। यूएन के मंच से जैसे ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोलना शुरू किया तो दुनिया ने आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर उनका सीधा और जोरदार संदेश सुना। उन्होंने कनाडा का नाम लिए बिना राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत बताया। कहा, आतंकवाद को राजनीतिक सुविधा के हिसाब से ना देखा जाए, क्षेत्रीय अखंडता और अंदरूनी मामलों में दखल की बात भी महज अपने हित के हिसाब से ना हो। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out. Without genuine solidarity, there can never be real trust. This is very much the sentiment of the Global South. दरअसल कनाडा की संसद के बाद 22 सितंबर को प्रधानमंत्री ट्रूडो ने यूएन में भी खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जिक्र किया था। ऐसे में भारत ने इशारों इशारों में कनाडा को चेता दिया। कहा, राजनीति के लिए आतंकवाद बढ़ाना गलत है, समय बदल रहा है, अब दूसरे देशों की बात सुननी होगी। चंद देशों का एजेंडा दुनिया पर नहीं थोपा जा सकता। नियम तभी कारगर साबित होते हैं जब वो सभी पर बराबरी से लागू हों। In our deliberations, we often advocate the promotion of a rules-based order. From time to time, respect for the UN Charter is also invoked. But for all the talk, it is still a few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. After all, rules will work only when they apply equally to all. संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की फटकार के बाद कनाडा को लोकतंत्र की याद आ गई। यूएन में लोकतंत्र की दुहाई देते हुए कनाडा के राजदूत बॉबरे ने कहा, हम समानता के महत्व पर बहुत जोर देते हैं, हमें स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाजों के मूल्यों को भी बनाए रखना है। हम राजनीतिक लाभ के लिए दूसरे देश के संबंधों के नियमों को मोड़ नहीं सकते। हमने देखा है कि विदेशी हस्तक्षेप के कारण लोकतंत्र किस हद तक खतरे में है। As we put great emphasis on the importance of equality, we also have to uphold the values of free and democratic societies. We cannot bend the rules of state-to-state relations for political expediency, because we've seen and continue to see the extent to which democracies are under threat through various means of foreign interference. But the truth is, if we don't adhere to the rules that we've agreed to, the very fabric of our open and of our free societies may start to tear. We also have to protect and promote the principles of equality. एक तरफ जहां ट्रूडो भारत पर आरोप लगाकर अपनी सत्ता को गंवाने के करीब हैं, तो वहीं भारत के सख्त रुख की वजह से दुनिया में उनकी किरकिरी हो रही है। खैर, आतंकवाद को लेकर भारत का सख्त रुख पहले भी साफ था और आज भी है, और अगर कोई देश आतंकवाद की पैरवी करेगा तो उसको दुनिया के सबसे बड़े मंच से ऐसे ही लताड़ पड़ेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर कनाडा।